हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? फाइन, फैंटास्टिक, वेरी गुड। तो हम बात कर रहे हैं चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काबुल कंपाउंड के बारे में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो आज हम एक स्पेशल रिएक्शन ले रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म पूछते हैं। राइट, क्या होता है, इस एल्डोल कंडेंसेशन में टू काबुल कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, टू कार्बोनिल कंपाउंड कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर। विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ वेरी डाइल्यूट NaOH, KOH, ठीक है, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड, है ना, वॉट एवर। ठीक है, तो इन रिएजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दो काबुल कंपाउंड मे बी एल्डिहाइड, मे बी कीटोन, मे बी एल्डिहाइड कीटोन। ठीक है, अच्छा, दो फ्यूज होंगे आपस में विच हैव अल्फा हाइड्रोजन। अगर मैं कहता हूँ कि HCHO, तो इसमें ये रहा कार्बन, ये फंक्शन ग्रुप है, इसके पास कोई कार्बन है ही नहीं, इट मीन्स देयर इज़ नो अल्फा हाइड्रोजन, सो ये रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, यानी कि CH3CHO, इसमें वाला अल्फा कार्बन है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है। ठीक है, तो इट मीन्स ये रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो इस रिएक्शन में खास पॉइंट है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। राइट, अब एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मैं ले रहा हूँ यहाँ पर CH3CHO, ठीक है, सिमेट्रिकल कंपाउंड ले रहा हूं मैं, सिमेट्रिकल कंपाउंड। सिमेट्रिकल मीन्स दोनों कंपाउंड हैं उनके पास सेम सेम एल्किल ग्रुप होंगे। ठीक है, तो इधर भी ले रहा हूं मैं CH3 और CHO, है ना, दोनों क्या है, मिथेनल है। दोनों रिएक्शन करेंगे आपस में, जब इनकी रिएक्शन होती है बेसिक मीडियम के अंदर, बेसिक मीन्स यहाँ पर ये सारे कोई भी इनमें से एक आइटम हो सकता है। राइट, तब एक कंपाउंड बनता है, ये जो बॉन्ड है यहाँ से टूटता है और ये कार्बन यहाँ से आके अटैच होता है, तो क्या बनता है, CH3, और ये वाला एच यहाँ पे आके अटैच होता है। कैसे होता है अभी अपन बात करेंगे मैकेनिज्म के अंदर। ठीक है, फिलहाल तो अपन एक कंपाउंड बना रहे हैं, इसका कॉम्प्लेक्स ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एल्डोल, क्या बोलते हैं इसको, एल्डोल। तो एल्डोल बनता है इसलिए इसको एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी, ये अल्फा, ये बीटा कार्बन है, तो बीटा हाइड्रोक्सी, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, एल्डोल कहते हैं इसको। राइट, जब इसको और गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो इसके अंदर वाटर आउट होता है, यहाँ से वाटर बाहर निकल जाता है। ठीक है, जब वाटर बाहर निकलता क्या बचता है, इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रोटोनिक, क्रोटोनिक एल्डिहाइड। IUPAC नाम आप खुद हो गए अपने आप। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 कार्बन है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको बोलते हैं क्रोटॉन, और एल्डिहाइड इज, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड क्रोटोनिक एल्डिहाइड। राइट, तो ये तो आपने दो एल्डिहाइड ग्रुप लिए। ठीक है, अगर अपन दो कीटोन लेते हैं, रफ कर दें इसको, चलो रफ करते हैं इसको। अब मैं कीटोन पे रिएक्शन करवा रहा हूँ, ये रफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कीटोन के अंदर यहाँ पे डाले CH3 और इस तरफ डाले मैंने, ये कीटोन ग्रुप है CH3। ठीक है, CH3CO CH3 और ये CH3CO CH3, दो कीटोन ले रहा हूँ सिमेट्रिकल। राइट, तो सेम रिएक्शन होगी, बट इस बार जो कंपाउंड बनता है उसका नाम अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम ही है। ठीक है,
कुछ ये कंपाउंड बनता है, इसको बोलता है कीटोल। क्या बोलता है? कीटोल। इसे गर्म करते हैं तो क्या बनता है? वाटर बाहर निकलता है, CH3, इस डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक है, कुछ ये कंपाउंड बनता है। IUPAC नाम अपने आप लिखो आप, राइट। इसका कॉमन नेम होता है, इट इज़ द मैसिटिल ऑक्साइड, मैसी टिल ऑक्साइड। ठीक है, इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, किटॉल बनता है, इसको बोलते हैं अपन एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसमें किटॉल बनता है, यहाँ पर एल्डोल नहीं बन रहा है, राइट। अगर किटॉल ले तो किटॉल बनेगा। ठीक है, अब अगर अपन अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड लेते तो क्या होता है? रफ कर दे इसको। चलो, ये अब अभी तक अपन सिमेट्रिकल यानी कि दोनों तरफ जो ग्रुप था एल्काइल ग्रुप समान था, इक्वल था। अगर अनसिमेट्रिकल तो फिर क्या होगा? ठीक है, सपोज ले रहे अपन CH3, सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरफ मैं ले रहा हूँ CH3, CH2 और CHO। ठीक है, इधर भी एच, इधर भी एच, राइट। अच्छा, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन वहाँ चाहिए, हमेशा कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन ही रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला एल्डिहाइड ग्रुप, ये कार्बन कौन सा है? अल्फा कार्बन। तो इसके पास हाइड्रोजन कौन सा है? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो रिएक्शन इस बार यहाँ से होगी, यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, इसको ऐसा लिख लो। ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन ही रिएक्शन करता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो वहाँ पर रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये एच यहाँ आएगा, ये दोनों असिमेट्रिकल है, इस तरफ तीन कार्बन, इस तरफ दो कार्बन ही है। ठीक है, CH3, सी इधर ओ एच, इस तरफ एच है। ठीक है, यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो गई, ठीक ना। ये लो, ये कंपाउंड बन रहा है, वही चीज़, वाटर बाहर निकलेगा, वाटर बाहर निकल रहा है, कुल मिला के जो भी अल्फा कार्बन है उसमें से वाटर बाहर निकाल दो, उसमें से दो एच बाहर निकाल दो। ठीक है, शॉर्ट में भी कर सकते हैं चाहे तो, CH3, सी एच डबल बॉन्ड, इधर भी CH3, इस तरफ CHO, कुछ ये कंपाउंड बनता है, यहाँ से वाटर बाहर निकल गया, ये वाला ओ एच और ये वाला एच। ठीक है, वाटर आउट हो गया, वाटर आउट हो गया, राइट। तो यहाँ से वाटर बाहर निकलने पर ये कंपाउंड बनता है। ठीक है, अच्छा, इसका IUPAC नाम क्या क्या होगा, नाम इसको बताओ। ये इस तरफ से चार होगी, 1 2 3 4। ठीक है, टू पे आपके मिथाइल है और टू पर इन भी है ना, टोटल कितने कार्बन है? फोर, प्रॉप ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, तो टू मिथाइल ब्यूट, टू पर इन, टू इन और एल्डिहाइड, एल कितने पर? वन, वन एल। ठीक है, ई और ए साथ में आ रहा है तो मतलब एक ई हट जाएगा, ये भी रूल है कि दो वॉल्स अगर कंटिन्यू आता है तो फिर एक वॉल हट जाता है पीछे वाला। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टू मिथाइल ब्यूट, टू इन, वन एल, ये इसका नाम है, राइट। अच्छा, तो इसमें एल्डोल फॉर्मेशन हो रही है, दैट्स वाई इट इज एल्डोल कंडेंसेशन। रफ कर दे। अच्छा, और देखिए रिएक्शन को, और देख लेते हैं। हो गया सिमेट्रिकल। अब अगर दोनों, अच्छा एक और चीज़, अनसिमेट्रिकल अगर एल्डिहाइड या फिर कीटोन अपन लेते हैं तो उसको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं, लिख लेना ऊपर, क्रॉस क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है,
इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कार्बोनिल कंपाउंड। क्लियर? अगर दो अलग अलग हो, अनसिमेट्रिकल हो कार्बोनिल कंपाउंड, तो इसको अलग से नाम दे रखा है क्रॉस हाइड्रॉल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये लास्ट में जो रिएक्शन लिखी थी उसके बाद भी लिख लेना है, पॉइंट लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब देखो, अगर अपन एक एल्डिहाइड और एक कीटोन ले तो क्या होगा? सपोज मैं ले रहा हूँ CH3, CHO, इस तरफ एल्डिहाइड, इस तरफ ले रहा हूँ मैं कीटोन। ठीक है, ये CH3, CH2O और CH3 है कीटोन, है कीटोन, और इस तरफ क्या ले रहा हूँ मैं? एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड ले रहा हूँ, राइट? तब क्या होगा? तब इसके अंदर कंडीशन बन सकती है कि हो सकता है कि इन दोनों के अंदर इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर जाए, ठीक है, या फिर इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर जाए, ठीक है ना, या फिर इन दोनों के मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्शन कर जाए। ठीक है, तो कंडीशन बहुत सारी बनती है प्रोडक्ट केस के अंदर, राइट? अगर इनके दो मॉलिक्यूल्स करते रिएक्शन, क्या बनता है? CH3 CHO, ये बनेगा प्रोडक्ट। अगर एल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल्स रिएक्शन करे तो क्या बनेगा? ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। अगर कीटोन के बनता है, तो कीटोन के दो रिएक्शन करते हैं आपस में, CH3 एक टी वाला है, CH3 CH2O CH3 एक ही वाला है, दो मॉलिक्यूल कीटोन के हैं। ठीक है, तब क्या बनेगा? यहां से वाटर बाहर निकाल दो, H2 और O। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या बनेगा? डबल बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो कंपाउंड क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड, CH3 डबल बॉन्ड O। ठीक है, कुछ ये कंपाउंड बन रहा है, राइट? अब अगर ये दो रिएक्शन करते हैं आपस में, ये भी बनते हैं कंपाउंड और ये भी बनते हैं। ठीक है, इसका अलग चीज नाम है, इसका अलग नाम है। ठीक है, अगर ये दोनों रिएक्शन करते हैं आपस में, ये फर्स्ट कंपाउंड बनता है, ये सेकेंड कंपाउंड बनता है, तो यहाँ पर भी यहाँ से H2 और O बाहर निकाल दो, है ना? यहाँ से अपन, हम डायरेक्ट करा रहा हूँ मैं इसको, इस रिएक्शन को अपन डायरेक्ट ले रहे हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है कि जहाँ पर अल्फा कार्बन दिखता है उसके पास दो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है, और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऑल ओवर वाटर बाहर निकलता है। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक्स है, राइट? अब जैसे यहाँ से बाहर निकलता है, क्या होता है यहाँ पर? CH3 CH, इनके और इनके बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, ये वाला कंपाउंड। ये बनता है, ठीक है? तो ये तीन टाइप के कंपाउंड बन रहे हैं इसके अंदर। अगर आप दो अनसिमेट्रिकल सॉरी दो अलग अलग कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड और कीटोन लेते हो, तो इसमें तीन कंपाउंड का मिक्सचर बनता है। ठीक है, अब इनके नाम क्या है UPSC, वो आप लिखो। इसका लिखो नाम क्या होगा? ये यहाँ से वन, ये लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 पे कीटोन आ गया, राइट? और 3 पे कौन है? इन है, ठीक है ना? तो टोटल है 5, पैंट पैंट 3 इन, ठीक है, और कीटोन है तो 2 ऑन 2 ऑन। ठीक है, 2 पर कौन है? कीटोन है तो 2 ऑन, पैंट 3 इन 2 ऑन। क्लियर? इसका नाम क्या होगा? यह होगी इसकी लॉन्ग चेन,
ये इसकी लॉन्गेस्ट चैन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, तो हो गया इसका 5 को बोलते हैं अपन पेंट बस, बट ये भी आ रहा है 1 2 3 और 4 पे आ रहा है आपके मिथाइल ग्रुप, तो 4 मिथाइल 1 2 3, 3 पे आ रहा है आपके इन, ठीक है, और 2 पे आ रहा है आपके ऑन, 1 2 5 है ना, तो 5 पेंट, 3 पे आ रहा आपके इन और 2 ऑन, ठीक है। ये आपका इसका आईपीएच नाम हो गया, फॉर मिथाइल है, पेंट है, 5 कार्बन है, 3 इन है, 3 पर इन है, 2 पे कौन है ऑन, क्लियर। इसका नाम बताओ क्या होगा आईपीएच नाम, 4 कार्बन है, 2 पे इन है, ठीक है, तो 4 को बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट और 2 इन, ठीक है ना, और पेंट, ब्यूट 2 इन, सही है, और 1 अल, ठीक है, ब्यूट 4 के लिए, 2 पे इन है और 1 अल है, राइट। तो ये तीन टाइप के कंपाउंड बनते हैं अगर आप दो डिफरेंट टाइप के कार्बन कंपाउंड लेते हो, एक तरफ एल्डिहाइड एक तरफ कीटोन, बिकॉज दोनों के चांस बनते हैं। ये भी इसके मॉलिक्यूल्स भी आपस में फ्यूज होते हैं और इसके मॉलिक्यूल्स भी आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है, और इनके मॉलिक्यूल्स भी आपस में फ्यूज होते हैं, क्लियर। अच्छा तो रफ कर दें, उतारो इसको फटाफट। अगर बेंज एल्डिहाइड लेते हैं और एक तरफ एसिड एल्डिहाइड लेते हैं, एक तरफ कौन है आपके बेंज एल्डिहाइड, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है और बड़ी भी है, राइट, और एक तरफ है आपके एसिड एल्डिहाइड, ठीक ना, तो यहां से वाटर बाहर निकलता है, क्या बनता है, ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, सिरामिक एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं इसको, सिरामिक एल्डिहाइड, क्लियर, सिरामिक एल्डिहाइड बोलते हैं इसको, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लेजियन, क्लेजियन कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये सारे एल्डोल से आंसर निकल रहे हैं, क्रॉस एल्डोल कंसंट्रेशन क्लेजन वाला, ठीक है, एल्डन एल्डोल कंसंट्रेशन क्या होता है, ये सारी बातें आपको इस रिएक्शन में मिल जाती है, ठीक है। तो उतारो उसको फटाफट, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सिनेमिक एल्डिहाइड। रफ कर दे, चलो अभी एक बार देख लो मैकेनिज्म क्या होता है इसका, कैसे काम करता है ये मैकेनिज्म है इसका, मैकेनिज्म अपन ले रहे हैं एल्डोल का, इस तब ले रहे हैं अपन एल्डिहाइड, ठीक है, एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है वो वाटर, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है कि बेस, बेसिक मीडियम के अंदर बेसिक में क्या होता है ओ एच माइनस आयन्स होते हैं, ठीक है, तो ये ओ एच माइनस आयन यहाँ से वाटर बाहर निकालते हैं, ठीक है, जैसे ये वाटर बाहर निकलता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ये नेगेटिव चार्ज ये ऑक्सीजन खींच लेता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ से एच बाहर निकला तो एच ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया कार्बन को, ठीक है, अब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कार्ब एनायन, क्या बोलते हैं कार्ब एनायन, यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, CH3 C इस तरफ है ये वाला, तो ये जो कंडीशन दिख रही है आपको इसे बोलते हैं कार्ब एनायन, कार्ब एनायन बनता है पहले, ठीक है, फिर ये कार्ब एनायन दूसरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, एक और मॉलिक्यूल आता है पास में, इसे लिख रहा है सही रहेगा CH3,
फिर एक और मॉलिक्यूल जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो उस रिएक्शन करता है। ठीक है, अब ये वाला, हाँ ये वाला एच है, यहाँ पे आके अटैक करता है, राइट। ये कार्बन, ये कार्बन इस कार्बन से अटैच करेगा, क्या बनेगा, एल्डोल। ठीक है, क्लियर। क्योंकि ये ऑक्सीजन आप इस इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर आएगा माइनस चार्ज ऑल ओवर, राइट। तो ये वाला एच है, ये एच प्लस फॉर्म बाहर निकलेगा और यहाँ पर ऑक्सीजन से अटैक करेगा, ठीक है ना, और क्या बनेगा आपका, एल्डोल। ये एल्डोल बनता है, यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब एल्डोल आगे जाकर वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालता है, क्या बनाता है आपका, क्रोटोनिक एल्डिहाइड। और देख लो इसको, यहाँ से वाटर बाहर निकलता है और ऑल ओवर क्या बन जाता है, क्रोटोनिक एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसका ये शॉर्ट एंड फाइनल मैकेनिज्म है। तो जितनी भी अपन रिएक्शन बनती है एल्डोल के अंदर सब देख लिया, ठीक है। जैसे इसके नोट्स बनाओ, प्रैक्टिस करो। थैंक यू, हैव अ गुड डे।